हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। दोस्तों, ये हमारी रिवीजन वीडियो रहेगी जिसमें हम रिवाइज़ करेंगे अपने करंट अफेयर को, क्योंकि हमारी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मतलब राउंड अबाउट 12 से 13 लेक्चर हो गए हैं और 5-6 घंटे तक पहुंच गए उन्हें, और नेक्स्ट वीक काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो ये रिवीजन में इसको थोड़ा कंसाइज करके 4-5 लेक्चर को इकट्ठे एक के अंदर ही डाल के उनको रिवाइज़ करेंगे। तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे और मैं ट्राई करूँगा मोस्टली कि इसको जो है जितना कंसाइज रख सकें, जितना छोटा रख पाएँ, वो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने कुछ टॉपिक को मतलब 15-20 मिनट भी डिस्कस किया है, तो उनको छोटा करके डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्पेस जो हमारी साइंस थी उसकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ गया ड्रग को ड्रग रेजिस्टेंस को रिवर्स करना पॉसिबल हो गया था, ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो मेनली रेजिस्टेंस क्या होता है, एंटीबायोटिक बनाए होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो एंटीबायोटिक होते हैं। और समटाइम जो है प्रोटोजोन को भी अफेक्ट करते हैं ये वाले, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया या प्रोटोजोन इनके खिलाफ रेजिस्टेंस बना ले तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने की बात चल रही थी यहाँ पे, और ये वायरस को अफेक्ट नहीं करते, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसमें देखा था कैसे ये रेजिस्टेंस हो जा रहे हैं, तो अगर आप ओवर यूज़ करोगे तो रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अगर पेशेंट जो है अपना ट्रीटमेंट फिनिश नहीं कर रहा है तो हो सकते हैं आप लाइफ स्टॉक फिश फार्मिंग या आप पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ओवर यूज़ करोगे एंटीबायोटिक का, तो हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर कम हो तब भी हो सकता है, हाइजीन और पुअर सैनिटेशन हो तब हो सकता है, और नए आप एंटीबायोटिक नहीं खोजोगे तब भी हो सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक नेचुरल फिनोमेना है। फिर हमने देखा था ये हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया ये फैलते कैसे हैं, जैसे हमारा ये पिंक कलर का बैक्टीरिया और साइड में स्लेटी कलर के बैक्टीरियाज हैं, तो ऊपर से हमने एंटीबायोटिक डाला, बाकी तो मर गए, लेकिन ये जो कुछ रेजिस्टेंस बच गए ये और ज़्यादा फैलेंगे, इनकी ग्रोथ और होगी और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफ़र करेंगे, और इससे एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो फैलेगी। तो न्यूज़ के अंदर आया था कि ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर फाइंड आउट किया था इन्होंने कि रिवर्स कैसे कर सकते जो हमारी ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो ये बैक्टीरिया बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उसको मार देता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन है हमारी, उसका जंक प्रोडक्ट बच जाता है जिससे एजिंग और डेथ होती है किसी सेल की, तो उसको ख़त्म कर देता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। तो साइंटिस्ट ने खोजा कि अगर इसको मार दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए जो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, तो ड्रग रेजिस्टेंस को भी ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ थी लीगो से रिलेटेड। लीगो ने ग्रेविटेशन वेव खोजी थी, तो ग्रेविटेशन वेव रिपल्स होती हैं, मतलब ऐसी जैसे पानी के अंदर रिपल प्रेजेंट होती हैं, ऐसी स्पेस के अंदर रिपल ऐसी होती हैं वो, और फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस और टाइम जो है कोलैबोरेटिव टर्म है, मतलब एक मैथमेटिकल टर्म के रूप में दिखाने के लिए उनको फैब्रिक की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो फैब्रिक ऐसे फैब्रिक दिखाया जाता है जैसे अगर आप चादर ही मान लो उसके ऊपर बॉल डाला हुआ है, वैसा फैब्रिक स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जैसे हमारी अर्थ है मून है सब उसके ऊपर पड़े रहते हैं, और जितना वो उसको बेंड करते हैं उतनी उनकी ग्रेविटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये फैब्रिक रिपल्स थी जो कि फैब्रिक के अंदर स्पेस टाइम की फैब्रिक के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी कोई बड़ी बड़ी, जैसे ब्लैक होल कन्वर्ज कर रहे थे दोनों, जैसे नॉर्मल सा ये हमारा अर्थ है इसके ऊपर इसने इसको बैंड किया हुआ है, तो इसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, ये जो एरिया है इसके अंदर इसकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बाकी के एरिया में कम है इसका। अब दो ऑब्जेक्ट जब साथ में आएंगे, तो जैसे अर्थ है और इसको मान लो मून, तो अर्थ जितना ज़्यादा इसको झुकाएगी अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा बढ़ेगी, और ये इसको अपने आसपास घुमाने की कोशिश करेगा, और जब दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आसपास घूमेंगे धीरे धीरे नज़दीक आते रहेंगे, और जब वो काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे और फिर रिपल्स प्रेजेंट पैदा करेंगे, इन रिपल्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव। इनको हम जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते ऐसे, इनविजिबल है ये, लेकिन इनको लीगो की सहायता से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर लीगो हमारी कंटेक्स्ट में आई थी। इंडिया ने इंडिगो प्रोजेक्ट चलाया था 2008 के अंदर, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट को साथ लेके आए थे ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए, लेकिन अब बात हो रही है कि जो लीगो है इसको हम लेके आ रहे हैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है वहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। और ये लीगो क्या है, इस तरीके की ऑब्जर्वेटरी है, 4 किलोमीटर की, 2 आर्म्स हैं इसकी, एल शेप की है, इसमें इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, 2 एक लेज़र है, एक लाइट डिटेक्टर है। तो ये दो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो बेस है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी जो इसकी आर्म है एक एक साइड गई दूसरी दूसरी साइड गई। ठीक है, यहाँ से लेज़र सोर्स से लेज़र छोड़ेंगे, बीम स्प्लिटर से वो स्प्लिट होगी और एक एक साइड चली जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में दोनों 4-4 किलोमीटर हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में वापस आके कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव पास होंगी तो ग्रेविटेशनल वेव की क्वालिटी होती है कि जिस साइड को वो पास होती हैं उस साइड को स्पेस को थोड़ा लंबा कर देती हैं, तो वो जो आर्म होगी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, दूसरी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होंगे और यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगे।
तो इसके बेनिफिट थे क्वांटम फिजिक्स के अंदर। क्वांटम टर्म का मतलब यह है कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, मतलब जैसे एटम है, एटम के छोटे मतलब छोटी छोटी क्वांटम लेवल, मतलब बहुत ही छोटी लेवल के ऊपर, जितना सबसे छोटा हम सोच सकते हैं उस लेवल के ऊपर। तो क्वांटम फिजिक्स के लिए जैसे एटम के अंदर आपके प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन हैं, तो उस लेवल के ऊपर काम करते, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं हम आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी के अंदर। लेकिन वो जो होती डिफ्लेक्ट होती हैं, डिफरेंट जो बॉडी होती है उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव के लिए पूरा यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। और ब्लैक होल कैसे बने ये फाइंड आउट किया जा सकता है अगर हमने ग्रेविटेशनल वेव को अच्छे से स्टडी कर लिया, और जो मैटर होते एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कैसे बिहेव करते हैं वो फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर स्टेम सेल के बारे में पढ़ा था, ऐसा कोई सेल जो कि या तो अपने जैसे सेल बना सके या कोई और नए सेल बना सके। जैसे ये हमारा बीच में स्टेम सेल है, ये नॉर्मल सा खुद कुछ नहीं कर रहा है, मतलब पहले इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा कोई काम नहीं कर रहा है। ये जैसे स्किन सेल है, स्किन सेल तो स्किन का काम कर रहा है, ब्लड सेल ब्लड का काम कर रहा है, ये खुद नॉर्मल सा सेल है, ये कोई भी सेल बना सकता है। न्यूरोन नर्वस सिस्टम का सेल बना सकता है, लीवर का सेल बना सकता है, प्लेटलेट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है वो बना सकता है, RBC बना सकता है, WBC बना सकता है। तो नॉर्मल सा सेल है जो किसी और सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती थी, कोई भी आपका बॉडी का सेल खराब है, आप उसमें अगर आप मास्टर कर लेते हो इस टेक्निक को, स्टेम सेल की टेक्निक को, तो आप सेल को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, जिसमें ब्रेन सेल डिग्रेड होने लगते हैं, तो आप नए न्यूरॉन क्रिएट कर सकते हो, उसी ऑर्गेनिज्म से हमने स्टेम सेल लेंगे और नए न्यूरॉन को बना देंगे, ठीक है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे ये प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, इनको क्योर किया जा सकता है स्टेम सेल से। और मतलब जो ट्रेडिशनल वे होता है हमारा, उसके अंदर इन चीज़ों को क्योर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, इनको एक बार ब्रेन सेल डिग्रेड होने लगे तो इनको क्योर नहीं कर सकते आप, लेकिन स्टेम सेल से आप नए सेल बना के इंडिविजुअल को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आया था हमारा फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसका नाम था कलावरी। तो कलावरी का नाम याद रखना है, और किस प्रोजेक्ट के अंदर बनी ये स्कॉर्पियन क्लास है। एक तो स्कॉर्पियन फ्रांस, मतलब फ्रांस बना रहा है इसको, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को, और इंडिया और फ्रांस का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। और इसको मेजगोंग डॉक लिमिटेड, मतलब इंडिजिनियसली बना रहे हैं ये फ्रांस वाले, यहाँ आके बना रहे हैं इसको, प्रोजेक्ट 75 के अंदर बना रहे हैं। कलावरी जो है एक डीप शी टाइगर शॉक है, उसके नाम पर रखा हुआ है कलावरी इसका नाम, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट काम करेगी, जो कि मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या काम करेगी, स्टिल्थ की कैपेबिलिटी है, मतलब छुपने की कैपेबिलिटी है इसके पास में, डीजल इंजन है इसके पास में, और इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम है, ठीक है। एयर की जरूरत नहीं पड़ती इसको प्रोपल्शन के लिए, प्रोपेलेंट के लिए। तो उसके लिए क्या करता है ये, एयर जो है अंदर लेके जाता है, क्योंकि डीजल इंजन को एयर चाहिए ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो है एयर खुद ही लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ये। प्रोपेलेंट जैसे होता है, प्रोपेलेंट होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, फ्यूल कोई भी हो गया आपका और उसके बाद ऑक्सीजन। तो फ्यूल तो आप लेके जा रहे हो लेकिन आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम है, चार टाइप के हमने पढ़े थे इसके अंदर। तो इसमें उसमें से सेकंड टाइप का प्रोपल्शन था, जिसमें O2 और इथेनॉल को लेके जाएंगे हम अंदर और उनसे कंबस्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, O2 और इथेनॉल लेके जा रहे हैं अंदर। तो नॉर्मल साइज का टाइप देखा था, डिटेल में नहीं देखेंगे इसको। डीप ओशियन मिशन, तो डीप ओशियन जैसे नाम से पता लग रहा है, ओशियन के अंदर हमने जाके रिसर्च करनी है, डीप ओशियन। और ओशियन की जब भी बात आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आएगी वहाँ पे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, अर्थ साइंस और साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री में कन्फ्यूज़ करेंगे। लेकिन अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है, साइंस मिनिस्ट्री भी कोलेबोरेट कर रही है, लेकिन मेनली अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है। और डीप ओशियन में हमने जो भी मतलब रिसोर्सेज होते हैं, जैसे डीप ओशियन के अंदर जाके हम टाइडल की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, ओशियन की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, डीसेलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो भी होंगी, या मिनरल वगैरह कोई वहाँ से निकालने हैं, कोई रिसर्च करनी है ओशियन के बारे में, वो काम किया जाएगा इस मिशन के अंदर में, ठीक है। तो इसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की स्टडी भी की जाएगी। इसको देखते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो थे मैग्नीज नोड्यूल थे। मैग्नीज नोड्यूल क्यों बोलते थे इनको, क्योंकि इनके अंदर मैगजीन की क्वांटिटी प्रेजेंट थी सबसे ज़्यादा, बाकी भी प्रेजेंट है थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर, लेकिन मैगनीज जो है सबसे ज़्यादा 27-30% प्रेजेंट है। और छोटे छोटे पोरस होंगे मॉड्यूल, सी के फ्लोर के ऊपर पड़े होने, ठीक है, मतलब एक कारपेट बनाया उन्होंने, इन्होंने सी के फ्लोर के ऊपर बिछ गए उन्हें, और इस तरीके के दिखेंगे ये नॉर्मल से। और ये आपको नॉर्मल सा याद करना कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, अगर मैगनीज नोड्यूल पूछा तो सिर्फ मैगनीज ही नहीं है इसमें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आयरन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट आया हमारा कि वैक्सीन बनाई एक इंडिया ने, किस चीज़ के लिए, लेप्रोसी की क्योर के लिए। और उसके लिए, लेप्रोसी के लिए आपको क्या देखना था कि किस बैक्टीरिया से हो रही है ये, ठीक है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, प्रोटोजोन से हो रही है, तो वो देखना था। तो ये हो रही है माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, तो बैक्टीरियम अगर शब्द आ रहा है तो बैक्टीरिया से हो रही है। बैक्टीरियल डिजीज है, अफेक्ट करती है स्किन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्किन आपको पता है, पेरिफेरल मतलब कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जो भी सिस्टम, आपकी नर्व्स वगैरह जो आपको सिग्नल प्रोवाइड करती है, मतलब जो सेंसेशन देती है आपको, आप मतलब कोई भी मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है आपके, तो वो चीज़ होगी पेरिफेरल नर्व्स।
और इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 6 साल लग जाते हैं। एक बार आपको इन्फेक्ट कर दिया तो अपना असर दिखाने में इतना टाइम लगा देगा, ये नर्वस की डैमेज कर सकता है, मतलब आपको पैरालाइज भी कर सकता है इवेंचुअली। अगर इसको डिटेक्ट कर दें अर्ली तो इससे बचा जा सकता है, मतलब जल्दी स्टेज पे क्योर किया जा सकता है और डिसेबिलिटी से बचा जा सकता है। इंडिया को लेप्रोसी से फ्री डिक्लेयर किया गया है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चलाया हमने। फिर वर्जिनिन आया था, सिंपल सा याद रखना, एक फाइटोकेमिकल है, फाइटो मतलब कि प्लांट से रिलेटेड है, और केमिकल है मतलब प्लांट से लिया हुआ ऐसा केमिकल है जो कि टीबी का जो बैक्टीरिया होगा उसको रिड्यूस करेंगे। एक और फैक्ट पता लग गया, टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, तो वो भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट आया डिसएरिब। डिसएरिब एक मॉलिक्यूल था जो कि कैंसरस जो सेल थे उनको किल कर रहा था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे डिसएरिब क्या है, वर्जिनिन क्या है, ठीक है। फिर आया तरंग संचार पोर्टल। तरंग होता है, कोई वेव जा रही है, वेव को बोलते हैं तरंग, और संचार मतलब कम्युनिकेशन। तो ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से आप गैस लगा सकते हैं। और ये काम क्या करेगा, आपके आसपास की जो मोबाइल टावर हैं उनसे जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसकी जानकारी देगा ये, ठीक है। उसके लिए ऐप वगैरह होगी जहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो, और अगर कोई खतरा है आपको जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं उससे ज़्यादा अगर वहाँ से एमिट होती हैं तो आप उसकी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा हमारा लेक्चर फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफाई होता है, जैसे आपका किला है उसको फोर्टिफाई करते हैं, उसके आसपास दीवारें लगाते हैं, उसको सेफ बनाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो फोर्टिफाई का मतलब है फूड को फोर्टिफाई करना, मतलब एक तो फूड के अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसके एडिशन में आपने उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे उसमें विटामिन मिनरल आयरन जिंक वगैरह कुछ हमने एक्स्ट्रा डालना है, वो काम करना है। तो न्यूज़ ये थी कि जो हमारी राजस्थान MP हरियाणा हिमाचल है यहाँ पे मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड फूड की बात चल रही थी, ठीक है। और ये जो इसके स्टैंडर्ड कौन तय करता है कि आपको कितनी फोर्टिफाई करना है फूड, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपने कौन सी चीज़ डालनी है उसके अंदर में, ये करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैचुटरी बॉडी है, 2006 के एक्ट के अंदर बनी है। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये काम क्या करती है, फूड के लिए जो स्टैंडर्ड वगैरह हैं उनको इंश्योर करती है ताकि पब्लिक सेफ रहे। और इसका चेयरमैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक से ऊपर होता है। फिर आता हमारा न्यू ट्रांसजेनिक राइस वेराइटी बनाई थी जो कि ड्रॉट से फाइट कर सकती थी। तो ट्रांस का मतलब किसी और से लिया हुआ, जेनिक मतलब DNA का वो पार्ट जो कि कोड कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई प्रोडक्टिव सी चीज़ बना रहा है। तो हमने राइस के अंदर कोई दूसरे की जीन उसमें एंटर करवा दी जिससे कि वो ड्रॉट से भी फाइट कर सकता था, ठीक है। सांबा मसूरी क्वेश्चन आए, क्या है, तो राइस की वेराइटी है। और इसमें ट्रांसजीन क्यों एंटर करवाई, ताकि हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो उसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ उसकी पिनेकल की इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ग्रेन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाइट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसमें ग्रेन को बढ़ा भी सकते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब हमने उसको अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है। तो उसमें हमने एग्जांपल देखा था, हमारे पास बैक्टीरिया था लेफ्ट साइड के अंदर में, बैक्टीरिया का DNA निकाला, उसको बैक्टीरिया के DNA को काटा, मान लो अगर बैक्टीरिया का DNA जो है ड्रॉट से रेजिस्टेंस है इसमें, तो इसको निकाला हमने बाहर राइट साइड में जो पॉट है यहाँ से DNA निकाला, इन दोनों को मिक्स करके हमने DNA फिर से प्लांट के अंदर डाल दिया। अब ये प्लांट जो है बैक्टीरिया की तरह ड्रॉट रेजिस्टेंस शो करेगा। फिर हमने देखा था पृथ्वी टू मिसाइल को सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया था उड़ीसा से। तो पृथ्वी टू इंडिजीनस है, इंडिया ने खुद बनाई है, न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ सकती है और सरफेस से सरफेस है, मतलब सरफेस से जाएगी सरफेस पे वार करेगी, 500 से 1000 kg तक उठा सकती है, 350 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। और इंडिया की पहली इंडिजीनस बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल है और ये बनी थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो है 1982 के अंदर स्टार्ट किया था, इंडिया का फर्स्ट प्रोग्राम था जो कि मिसाइल बनाने के लिए, और इसको DRDO और ऑर्डिनेंस सेक्टरी बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। और एक और बात जो फैक्ट याद रखना, ये खत्म हो चुका है, मतलब 2008 के अंदर हमने जो 5 मिसाइलें बनानी थी वो हमने बना चुके हैं, अब उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो उसके अंदर 5 मिसाइलें थी, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि मिसाइल, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी फैक्ट जो है। पृथ्वी हमने देख लिया सरफेस से सरफेस है, बैलिस्टिक है, ठीक है, और DRDO ने बनाई है, न्यूक्लियर कैपेबल है और इनको डिप्लॉय किया जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो ये मतलब मैनेज करती है आपके जो वेपन वगैरह होते हैं उनको, देखती कि कहीं आपके वेपन को जंग तो नहीं लग गया, ये चलते हैं, बार बार टेस्ट करते रहते हैं इनको, ठीक है। फिर आया ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है जो प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जा रही, ऊपर से आपने इसको छोड़ दिया, उसके बाद ये ग्रेविटी के फ्लो के अंदर, आपने एक बार बताया इसको कि कौन सी जगह गिरना है, उसके बाद ये खुद ऊपर जाके ग्रेविटी के फ्लो से नीचे गिरेगी, ठीक है, आपका कोई कंट्रोल नहीं बचा यहाँ पे। लेकिन क्रूज़ है, क्रूज़ वर्क करती है आपकी फायर एंड फॉरगेट, मतलब ये आपको पकड़ पकड़ के मारेगी, आप कहीं भी भाग जाओ आपके पीछे जाके मारेगी, आपने इसको गाइड कर दिया कि ये हमारा टारगेट है, उसके बाद ये कहीं से भी घूम फिर के चली जाएगी और आपको मारेगी वहाँ पे पकड़ के, ठीक है। तो ये फ़र्क है इनके अंदर में। नेक्स्ट वेरिएंट है, डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, कोई भी मिसाइल होती है उसको आर्मी में यूज़ करना है, आपने नेवी में, अगर उसको कौन सी जगह से फायर करना है उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपने हेलीकॉप्टर से फायर करना है तो आपको हेलीकॉप्टर के हिसाब से मिसाइल बनानी पड़ती है,
अगर आपने किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से फाइल करना है तो आपको बनानी पड़ेगी, सबमरीन से उड़ाना है तो भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो पृथ्वी 1, 2 और 3 थी बेसिकली, अब तो ये तीनों के लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन पहले इसको आर्मी के लिए बनाया था, इसको एयरफोर्स के लिए, पृथ्वी 3 को नेवी के लिए, ठीक है। और धनुष भी याद रखना, इसके अंदर धनुष जो है नेवल वर्जन है पृथ्वी का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल सरफेस से एयर पे छोड़ेंगे, सरफेस से वार करेंगे और एयर पे छोड़ेंगे। एयर में कुछ भी आएगा, ड्रोन आएंगे, हेलीकॉप्टर आएंगे, उनको मार करेगा, 12 किलोमीटर तक मार कर सकता है, मतलब शॉर्ट रेंज है ये। नाग मिसाइल, नाग से याद, सिंपल याद रखना कि नाग जो है टैंक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी टैंक मिसाइल है ये, इसमें गाइडेंस है, इंफ्रारेड गाइडेंस है, जिससे ये जाएगा और गाइड करके टैंक के ऊपर अटैक करेगा। पिक्चर याद रखना इसकी। और हेलिना अगर पूछा जाए तो नाग का वो वेरिएंट है जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाया जाएगा, हेलिना, हेली, हेलीकॉप्टर, ना मतलब नाग। आकाश मिसाइल, आकाश जा रही है सरफेस से एयर, आकाश का मतलब आसमान, तो सरफेस से एयर पे मार कर रही है, एयर के अंदर कुछ भी आएगा हेलीकॉप्टर वगैरह उसको मार करेगी, 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये। फिर आए अग्नि हमारी, तो अग्नि में अग्नि 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है हमारी पृथ्वी, तो ये लॉन्ग रेंज है, मतलब काफ़ी लंबी रेंज तक मार कर सकती है। और लॉन्ग रेंज को डिवाइड किया जाता है मीडियम रेंज में, इंटरमीडिएट में और इंटरकॉन्टिनेंटल में। मीडियम रेंज होगी, इंटरमीडिएट रेंज होगी और इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे में, जैसे एशिया से यूरोप के अंदर मार कर पाएगी। तो अग्नि 5 इनमें से इंटरकॉन्टिनेंटल है, जो कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बाकी जो है ये छोटी हैं, ठीक है इससे। फिर हमने देखा था, हमने स्टेजेस वगैरह देखी थी, अग्नि 5 3 स्टेज की है, अग्नि 5 वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, रेंज इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। और ये एरिया इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एरिया के ऊपर, इंडिया से अगर इसको फायर करेंगे, जैसे उड़ीसा कोस्ट से अगर इसको फायर किया तो ये चाइना को तो कवर कर दे रहा है पूरा, उसके बाद यूरोप को कवर कर रहा है ये, उसके बाद ये अफ्रीका की भी थोड़ी कंट्री, तो क्वेश्चन आ सकता है कितने कंटिनेंट को कवर कर सकता है ये। तो पिक्चर देखिए आपने, तो आप बना सकते हो वहाँ से कि इतने कंटिनेंट को ये कवर कर सकता है, ठीक है। और 1000 kg तक ये न्यूक्लियर वेपन को लेके जा सकता है। नेक्स्ट आया फिर वर्ल्ड बिगेस्ट एक्स रे लेज़र, XFEL लेज़र बनाई थी, सबसे बिगेस्ट थी ये, ठीक है। तो ये थी, यूरोपियन ने बनाई थी और पावरफुल, काफ़ी पावरफुल थी ये, मोस्ट पावरफुल है ये, 3.4 किलोमीटर लंबी एक टनल है, वहाँ पे बनाई हुई है जर्मनी के अंदर। बेनिफिट क्या है, ये कैमरे के तौर पे एक्ट करेगी सब एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनको देख पाएगी अच्छे से, उनकी पिक्चर बना पाएगी, ठीक है। तो ये फिर डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, बायोलॉजी, एनर्जी, इन्फॉर्मेशन, केमिस्ट्री वगैरह को आगे एनहेंस करने में हेल्प करेगी, क्योंकि अच्छे से हम उनकी पिक्चर देख सकते हैं। फिर हमारे पास वज्रा था, वज्रा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का था, इसमें क्या करेंगे, जो फैकल्टी है बाहर की, NRI या ओवरसीज सिटीजन है, वो फैकल्टी साइंटिस्ट आ सकते थे यहाँ पे और पढ़ा सकते थे और दूसरा रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ कर सकते थे इंडिया के अंदर, तो उसके लिए चलाई थी वज्रा स्कीम, ठीक है। विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये जो स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी मतलब कोई वर्चुअल या डिजिटल करेंसी, जो आप जिसको टच नहीं कर सकते लेकिन आपके जैसे लैपटॉप वगैरह आपके फ़ोन के अंदर प्रेजेंट हो गई हो, तो वो थी डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान ने अडॉप्ट कर लिया था बिटकॉइन को रेगुलेशन के साथ में। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि नो कंट्री, किसी भी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ है इनको, ठीक है। जैसे इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया ने एक पैनल बनाया हुआ है, जो लास्ट में देखिए पैनल बनाया हुआ है ताकि इंडिया स्टडी कर सके इनके ऊपर। इंडिया भी सोच रहा था कि हम अपनी एक लक्ष्मी नाम की बिटकॉइन को जनरेट करें, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हुआ था इसमें, क्रिप्टोग्राफी का मतलब कि आपने किसी चीज़ को लॉक कर देना है जहाँ से आप उसको भेज रहे हो और दूसरी जगह फिर वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अमेरिका के अंदर इसको प्रॉपर्टी के रूप में टैक्स किया जाता है। हॉटेस्ट प्लेनेट फाइंड किया था, जिसको नाम दिया था केपलर भी, तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड में है ये हमारा स्टार है उसका, जैसे हमारा सन है उसका स्टार का नाम है केपलर, केल्प नाइन, और इसके आसपास जो प्लेनेट घूम रहा था हॉटेस्ट है जो, उसका नाम रख दिया इसी के नाम पे, केल्ट नाइन के नाम पे रख दिया, केल्ट बी, ठीक है। और ये टाइटली लॉक है, टाइटली लॉक का मतलब इसका एक प्लेस हमेशा लाइट की तरफ ही रहेगा वही वाला, और दूसरा प्लेस अंधेरे में ही रहेगा, जैसे हमारा चंद्रमा भी टाइटल लॉक है, चंद्रमा का एक प्लेस जो है अंधेरे के अंदर ही रहता है, एक साइड हमें दिखती है, ठीक है, वो दूसरी साइड हम कभी भी उसके ऊपर रोशनी नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हम फर्स्ट जो ट्रेन थी जो कि वर्चुअल ट्रैक पे रन करेगी, जो वर्चुअल ट्रैक है नीचे रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये नीचे ट्रैक कोई एग्जिस्ट नहीं करता जैसे ट्रेन की पटरी होती है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर सेंसर लगे हैं जो कि इसके ऊपर मूव करने के लिए सक्षम है, तो ये चाइना ने बनाई थी, याद रखना है। नेक्स्ट नासा ने रोल आउट सोलर एरे टेस्ट किया था, रोल आउट का मतलब कि बाहर की तरफ रोल, जैसे स्केल होता है फोल्ड होने वाला स्केल होता है उसको रोल करके आउट कर दिया जाता है, ठीक है, वो उस चीज़ की बात करी। और एरे का मतलब होता है एक सीक्वेंस के अंदर लगी हुई, जैसे 1, 2, 3, 4 कोई सीक्वेंस के अंदर चेन लगाई हुई आपने, वह उस तरीके का मान सकते हो इसको, और सोलर पैनल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो नासा ने इसको टेस्ट किया था, बेसिकली है क्या ये,
इसको आप सैटेलाइट वगैरह ऊपर भेजनी, या तो आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए आपको साथ में भेजने पड़ते हैं सोलर की प्लेट्स। तो इस तरीके का होगा ये रोलर ऑट, मतलब देखो एरे क्या मतलब यहाँ पे अटैच हुआ ये, एक तरीके से पूरी रेंज बनाई हुई है इसने, और रोल ऑट इसको फोल्ड करके ऊपर भेजेंगे सैटेलाइट के साथ में, उसके बाद ये रोल आउट हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये सोलर की पैनल फोटोवोल्टिक प्लेट है जो कि सन से एनर्जी बनाएंगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भेजोगे इसको ऊपर तो टूट जाएगा, इतनी बड़ी प्लेट आप भेजोगे, लेकिन इसको फोल्ड करके आप भेजोगे ऊपर से ये रोल आउट हो जाएगा। तो नासा का है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हम कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 2 क्या है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग का मतलब किसी दूर की लोकेशन से बिना किसी चीज़ को टच किए उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, और ये हाई रेजोल्यूशन के सीन लेके आएगी। और रिमोट सेंसिंग जो है इनको मोस्टली पोलर ऑर्बिट में डाला जाता है, और पोलर ऑर्बिट का ही टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उनमें नहीं डाला जा सकता इनको, क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाएंगी, सेंस नहीं कर पाएंगी ये। तो ये भी मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आगे पीछे के फैक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज़ करने के लिए। ये रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट से सेंस करना है हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ को, जो अर्थ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उनसे सेंस करके सैटेलाइट के ऊपर पढ़ के वो देखेंगे, हम उसको चेक करेंगे क्या नीचे चीज़ें। तो इनके बीच में डिफरेंस इसको हम जो हमारी स्पेस की वीडियो है उसके अंदर देखेंगे, ये भी उसके अंदर कवर करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सोनिक मतलब साउंड की स्पीड, और सुपर मतलब साउंड की स्पीड से ज़्यादा क्रूज मिसाइल है। क्रूज हमने देखा था कौन सी है, फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर बात कर रही है। ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया पहले MTCR का मेंबर नहीं था, तो इंडिया को 300 किलोमीटर से छोटी बनानी पड़ रही थी। ठीक है, और 500 केजी के अंडर होनी चाहिए थी, 500 केजी तक वो वॉर हेड ले जा सकती थी, और 300 किलोमीटर से कम जानी चाहिए थी वो। तो अब इंडिया जो MTCR का मेंबर है, तो अब न्यूज़ आई थी कि इंडिया और रशिया इसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये दो स्टेज की मिसाइल थी, फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेज थी, दूसरी इसमें रैमजेट है। रैमजेट भी उसी के अंदर कवर करेंगे हम, रैमजेट क्या होता है। तो ये हमारी थी 290 से 600 तक ले जाने की बात चल रही थी इसको। और सिम्बैक्स जो है, सिम्बैक्स सिम मतलब सिंगापुर, सिंगापुर से नाम याद रख लेना, इंडिया और सिंगापुर के बीच में इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। लेज़र वॉल कवच, तो वॉल का मतलब दीवार लगानी है आपने, कवच बनाना है मतलब आपने किसी चीज़ को अंदर आने से रोकना है। तो लेज़र का कवच है इस तरीके का कवच है जो कि बॉर्डर के ऊपर लगाएंगे, अगर यहाँ से पाकिस्तानी मतलब कोई भी टेररिस्ट वगैरह एंटर करते हैं तो आपको डिटेक्ट करके पता लग जाएगा। और ये बनाया था दिल्ली बेस्ड डिफेंस इंटरनेट ऑफ थिंग कंपनी फर्म ने। ठीक है, तो इंडिया इंडिजिनस है इंडिया का। रैनसम वेयर अटैक, रैनसम का मतलब होता है फिरौती लेना किसी से। ठीक है, और वेयर होता है वेयर कोई भी मालवेयर, मालवेयर में क्या आ सकता है, वॉर्म आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, ट्रोजन आ सकते हैं, मतलब कुछ भी जो 36 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकती हैं वो वेयर के अंदर आ जाएंगी। और रैनसम का मतलब फिरौती मांगना, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी जो सिस्टम है आपके फाइल वगैरह उनको एनक्रिप्ट कर देगी और आपसे पैसे मांगेगी उनको खोलने के लिए, तो वो अटैक था। ये नाम था वॉनाक्राई, और भी कोई वायरस के नाम होंगे अगर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं तो उनके नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम के लिए भी और मेन के लिए भी। नेक्स्ट आता मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। तो ड्रग रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था क्या होती है, लेकिन मल्टी ड्रग का मतलब कि जो नॉर्मल अवेलेबल ड्रग हैं उनसे रेजिस्टेंस हो गई है। जैसे ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि दो जो हमारी नॉर्मल मिलने वाली ड्रग्स हैं उनसे रेजिस्टेंस पा ली है इसने, जो बैक्टीरिया होगा उसने, जैसे आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन, इन दोनों से इसने रेजिस्टेंस पा ली है बैक्टीरिया ने, तो उसको बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। स्पाइडर मिसाइल, स्पाइडर मकड़ी जो कि इसराइल हमें मकड़ी दे रहा है जो कि सरफेस से एयर पर फायर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आया डेरबी मिसाइल, एयर टू एयर है, और ये इजरायली डिफेंस कंपनी रफेल है, इसराइल ने ही दे रहा है हमें। ठीक है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज फायर कर सकती है। एयर टू एयर मतलब हम इसको एरोप्लेन से फायर करेंगे, और विजुअल रेंज मतलब एरोप्लेन से तो आप नॉर्मल सी रेंज देख सकते हो, लेकिन ये जो होगी ये जिस चीज़ को आप देख भी नहीं सकते उसको आपने टारगेट करोगे रडार से और उसके ऊपर इसको छोड़ देगो मिसाइल को। नेक्स्ट आया हैदराबाद टीम ग्रो मिनिएचर आई यूजिंग स्टेम सेल। तो स्टेम सेल हमने देखे थे क्या होते हैं, स्टेम सेल ये होते हैं, और इसमें क्या यूज़ हुआ है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल है ये बना दे रहा है वाइट ब्लड सेल आपके जो लेफ्ट साइड के अंदर है, लेकिन हमने क्या किया इसमें इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल टेक्निक का यूज़ किया, मतलब हमने जो स्टेम सेल नहीं भी हैं उनको स्टेम सेल बना दिया फिर से, जैसे वाइट ब्लड सेल हैं इनको हमने फिर से स्टेम सेल बना दिया, और ये फिर से हमने न्यूरॉन, जैसे हमें न्यूरॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो हम स्टेम सेल से न्यूरॉन बना सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरा काम कर सकते हैं कि हम वाइट ब्लड सेल को ही स्टेम सेल बनाएं फिर उससे नर्व सेल बनाएं, तो उसका मतलब है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है इससे। बेसिकली अगर आपने क्या करना है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है और किसी और से लिया आपने, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बोलेगा कि ये फॉरेन एंटिटी है, इसको
ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी पर्सन का कोई सेल लोगे, जैसे स्किन का ले लिया, ब्लड का ले लिया, और उसको कन्वर्ट किया स्टेम सेल से, स्टेम सेल जो है अगेन एक पूरा सेल बना देगा। जैसे लीवर सेल ये बना रहा है, तो ये पूरा लीवर भी बना सकता है आगे, तो ये पूरा लीवर बना के उसी ऑर्गेनिज्म में लगा देगा। अब सेल उसी के हैं तो उसका बॉडी पहचान नहीं पाएगी कि ये फॉरेन सेल है, क्योंकि सेल तो उसी के यूज़ हो रहे हैं। तो ये टेक्निक का मतलब था इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। बिग डाटा, बिग डाटा होता है कोई भी ऐसा डाटा जिसको नॉर्मल कंप्यूटर से प्रोसेस नहीं किया जा सकता, काफ़ी लार्ज अमाउंट का डाटा होगा। इसमें कन्फ्यूज़न शो की थी कुछ ने, आपने कमेंट किया था नीचे। तो बिग डाटा होता है कोई भी ऐसा डाटा जिसको नॉर्मल कंप्यूटर से आप प्रोसेस नहीं कर सकते। इस कम्प्लेक्सिटी में मत पड़ो, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो बिग डाटा कोई भी मतलब लार्ज वॉल्यूम का डाटा जिसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर टूल है उनसे सॉल्व नहीं किया जा सकता एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे आप मान लो कि आप फेसबुक के मालिक हो, आपने जो डिफरेंट जो डाटा उसमें चेंज हो रहा है, जैसे एक दिन के अंदर फेसबुक के अंदर राउंड अबाउट 100 गीगाटन का डाटा, इतनी अमाउंट का डाटा उसके अंदर प्रोसेस होता है, इतना डाटा आता है। आप जो फोटो डालते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, वो इतना डाटा आता है। अब आप एक कंप्यूटर रख लो उसकी जगह, उसको बोलो प्रोसेस करो इसको, जो लार्ज वॉल्यूम का डाटा आ रहा है, मतलब जो 100 गीगाटन फेसबुक का डाटा आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर टूल नॉर्मल कंप्यूटर को बोलो कि आप प्रोसेस करो इसको, वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लिया उसने तो 2-3 साल के अंदर प्रोसेस करेगा। तो हमें उस डाटा को बोलेंगे बिग डाटा, ठीक है, जो नॉर्मल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है वो इतना बड़ा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के टूल चाहिए। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आवर की, काफ़ी हज़ारों आवर की वीडियो जो है डेली अपलोड होती हैं, तो उनको प्रोसेस करने के लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर पर आप यूज़ करोगे तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो उस डाटा को बोलेंगे बिग डाटा, जिसको एक नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टूल से प्रोसेस ना किया जा सके। तो उसके लिए लार्ज जो हमारे कंप्यूटर होंगे, सुपर कंप्यूटर या बड़े कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, वो यूज़ किए जाएंगे, उसको बोलते हैं बिग डाटा। तो बिग डाटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वॉल्यूम, एक तो काफ़ी लार्ज डाटा होगा, जैसे यूट्यूब का हमने एग्जांपल लिया, काफ़ी लार्ज डाटा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, यूट्यूब में हर मिनट में काफ़ी वीडियो अपलोड होती हैं, काफ़ी अमाउंट का डाटा अपलोड हो रहा है। वेराइटी, वेराइटी आप देख लो, एक फेसबुक है उसमें कितनी वेराइटी का डाटा है, कोई पिक्चर डाल रहा है उसके अंदर, कोई वॉइस डाल रहा है उसके अंदर में, कोई उसमें नॉर्मल से आपके लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वर्ड के फॉर्म में डाल रहा है। और वेरेसिटी मतलब अनसर्टेनिटी, अगर कोई कंपनी बिग डाटा ले रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे मान लो फेसबुक का एग्जांपल ले लो, फेसबुक के पास में बिग डाटा आ रहा है, लेकिन उसमें से कुछ डाटा आपने जब आप उसको सिलेक्ट करके कोई पैटर्न बनाना चाहोगे तो उसमें कुछ डाटा फाल्स होगा, मतलब कुछ आईडी फेक बनाते हैं लोग, फेक आईडी बना दी, फेक लाइक होते हैं, फेक कमेंट होते हैं, तो वो फाल्स डाटा भी होता है उसमें। तो ये इसके जो है मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं बिग डाटा की, और इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, जैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल का बिहेवियर ट्रैक करने के लिए आपने पूरा जो फेसबुक का डाटा उसको सर्च करके एक पैटर्न फाइंड आउट किया कि सोशल मीडिया पे जो है फ्लिपकार्ट की साइट को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कोई नया जो सॉन्ग आया हुआ है सलमान खान का उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया से पैटर्न समझा जा सकता है कि जनता क्या चाहती है। और दूसरा, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, मतलब आप मान लो आप डोमिनोज़ के मालिक हो, आपको नई नई चीज़ें, इसी को मतलब ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हो आप सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए। आप डोमिनोज़ के मालिक हो, आपने देखना है कि आपने ए, आपका जगह ए से जाना है सी के ऊपर, लेकिन आपका रोड मतलब नॉर्मल, एक तो ए से डायरेक्ट सी भी जाता है, एक ए से बी और फिर सी भी जाता है। और मान लो फिर आपने क्या करना, पूरा डाटा एनालाइज करना उस टाइम का ट्रैफिक का, और ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी कितनी भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं इकट्ठी। सिंपल सा समझो कि आपने ए से सी तक, सी तक उसको ट्रांजेक्ट करना है, आपने देखा, आपने चेक करना है बिग डाटा से पूरी एनालिटिक्स की, आपने कितनी मेरी जा रही है, जैसे मेरी 500 असाइनमेंट जा रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, बिग डाटा से आपने चेक किया ट्रैफिक के क्या हाल हैं उस जगह पे, ठीक है, रियल टाइम में चेक किया कि ट्रैफिक के क्या हाल हैं, फिर आपको पता लग गया कि ए से बी काफ़ी ट्रैफिक है, तो इस प्लेस से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं अपने को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए ए से डायरेक्ट सी में भेज दूंगा, तो उससे मेरा टाइम भी बचेगा और मेरे को पता होगा, और एक तरीके से मेरा कॉस्ट भी बचेगा उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ मैनेज करना, वो भी बिग डाटा से की जा सकती है। कंपनी जो है अपनी सप्लाई चेन और डिलीवरी मैकेनिज्म को अच्छे से ट्रैफिक अपडेट के साथ में उसको अपडेट कर सकते हैं और अपना टाइम कम कर सकते हैं, ठीक है। और बिग डाटा से हेल्थ केयर में न्यू फाइंडिंग कर सकते हैं। हेल्थ केयर के लिए आपको बीमारियों के लिए मतलब दवाई वगैरह बनानी है, उसके लिए ह्यूमन जीनोम काफ़ी बड़ा होता है, उस पर सर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करनी होती है, डिफरेंट काइंड के आपको नए नए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई मैचिंग करवानी पड़ती है डिफरेंट सेगमेंट की, तो वो काफ़ी बड़ा काम होता है। तो बिग डाटा की हेल्प से आप उसको अच्छे से मैनेज करके कोई नई डिजीज़ होगी उसके लिए दवाई भी बना सकते हो, कोई नई डिजीज़ है उसके लिए सिम्टम वगैरह भी खोज सकते हो। जैसे आपने डाटा देखा एक इंडिया का पूरा, इंडिया के अंदर कौन से प्लेस के अंदर, जैसे मान लो कि हमारे जो ईस्ट के प्लेस हैं वहाँ पर मॉस्किटो ज़्यादा हैं, वहाँ पर चांसेज हैं कि डेंगू, जो भी पर्सन वहाँ पर आए बुखार से उसको चांसेज हैं कि वो डेंगू से ज़्यादा पीड़ित हो। और आपने देख लिया वेस्ट की साइड में, जो हमारे महाराष्ट्र समझ लो, महाराष्ट्र के अंदर में कोई भी पर्सन अगर आता है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको
चिकनगुनिया हो या उसको टाइफाइड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी बीमारी प्रेजेंट है। तो बिग डाटा से आपने एक जर्नल सी सेंस ले ली, पूरे इंडिया का मैप बना लिया, फिर जब डॉक्टर होगा तो डॉक्टर उसको पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे चेक कर सकता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है पहले से ही कि यहाँ पे चांसेस हैं कि ये वाली बीमारी जो है ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो काम किया जा सकता है, इससे बीमारियों के इलाज भी करवाए जा सकते हैं अगर इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है तो। और जो इंडिविजुअल है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसे, उसको सेंसर वगैरह लगा दे उसकी बॉडी के अंदर, उसके जैसे अब वो दौड़ेगा उसका चेक किया कि उसकी हार्ट बीट कितने लेवल पे जा रही है, और एक टॉप परफॉर्मर होता है उसकी हार्ट बीट कितनी जानी चाहिए, उसकी मसल कितनी स्ट्रेच होनी चाहिए, कब वो जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना ऊपर बढ़ता जा रहा है, उन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल को चेक करके एक छोटे से टाइम में चेक करके उस इंडिविजुअल के लिए कुछ टेलर मेड प्रोडक्ट बना सकते हैं या उसको सिखा सकते हैं कि आपको इस प्रोसेस ये काम नहीं करना है, आपको हार्ट बीट कंट्रोल करनी है या कुछ भी आपको बता सकते हैं, ठीक है, तो वो उसका मैपिंग बना देंगे पूरी बॉडी का और उसको अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और क्या काम कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो पूरा डाटा ले लेंगी, जैसे कितने पर्सन जो है इंडिया के अंदर एंटर हुए, कौन सी जगह से एंटर हुए वो, ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शन वगैरह इंडिया से बाहर जा रही हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, एक एक ही टाइम के ऊपर बिग डाटा का यूज़ करके आप चेक कर लोगे गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी जगह पे जो मतलब कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, साइबर अटैक हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी उसको ट्रैक किया जा सकता है। और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी ऐसे ट्रैक की जा सकती हैं, अगर डिफरेंट जो पूरा डाटा यूज़ करें आप, कितने पर्सन जो है किस प्लेस से ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर एंटर हुए, कितने प्लेस तक नॉर्मली वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, या कोई पुराना अगर आपका जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ उससे पहले का पूरा डाटा यूज़ करके होटल के बिल वगैरह, आपके ट्रेन के टिकट वगैरह लोगों की, मतलब कौन सी प्लेस से कितनी मूवमेंट हुई, कितने टाइम के लिए कौन पर्सन जा रहा है, किस प्लेस से ज़्यादा आए हुए हैं, उन चीज़ों को चेक करके आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि किसी भी टेररिज्म अटैक से पहले इस तरीके की कंडीशन पाई जाती हैं। नीति आयोग ने एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग भी बनाने की कोशिश की है इससे, जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2017 में लेबर जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, माइग्रेशन होती है इंटर कंट्री, जो डिफरेंट हमारी इंटर कंट्री में, उसका डाटा यूज़ किया था। अब आपने वो इतना बड़ा डाटा है पूरे साल का, जैसे कौन सा जो है पर्सन, कितने पर्सन, 50,000 पर्सन जो है यूपी से ट्रांसफ़र हुए दिल्ली के अंदर में, तो वो पूरा डाटा यूज़ करके उन्होंने गाइड करने की कोशिश की थी। तो ऐसे हम हेल्थ के लिए बना सकते हैं, एजुकेशन के लिए डाटा बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसको फिर से बना दूंगा मैं वीडियो। चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब डिजिटल के लिए सेम ही चैलेंज है सबके लिए, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इवैल्यूएशन, कांस्टेंट इवैल्यूएशन फीडबैक चाहिए, मतलब आपको रियल टाइम के अंदर मान लो कंपनी ने अपनी लॉजिस्टिक की इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको कांस्टेंट जो है रियल टाइम की अपडेट चाहिए, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी सिक्योर होना चाहिए, और इसमें मतलब आपको प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का भी खतरा है, अब आप इतना ज़्यादा डाटा यूज़ करोगे तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन को इंटेलिजेंस बनाना है, और डीप लर्निंग इसका सबसेट है, और ये रियल टाइम में वर्क करने के लिए था, ठीक है, मतलब अब एक ही टाइम के अंदर, जैसे मतलब किसी कंप्यूटर को हमने कुछ सिखाया भी नहीं है, मैं और वो कंप्यूटर बात कर रहे हैं और मैंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई बात बोली और उसको समझ नहीं आई, और उसके डाटाबेस में उसने इंटरनेट चेक किया और उसको कहीं पता नहीं चला कि इसने क्या बोला पर्सन ने, जैसे मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता उस टाइम, या मतलब वो फ्लो में निकल गई या कुछ भी, तो वो उस टाइम सोचने की कोशिश करेगा कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस टाइम, क्या सोचना चाहता है, और अगर ये बैंक में आया है तो क्या बोल सकता है उसमें, तो कंटेक्स्ट लगा के रियल टाइम के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, और जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन तुक्का लगा सकते हैं वैसे लगा पाएगा ये। तो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आपने मशीन को इंटेलिजेंट बनाना है, उसको सिखाना है ह्यूमन कैसे सोचते हैं, जैसे हमारा क्रिएटिव बनाना है उसको कॉमन सेंस देनी है, उसको जजमेंट कर सकता है, बिलीफ होंगे उसमें कोई, जैसे हम भगवान में बिलीव करते हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर बिलीव हो सकता है कि इस प्लेस से जाने वाले मतलब इस प्लेस से 10,000 गाड़ियाँ जाती हैं, इस प्लेस से मतलब जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी सेलिब्रिटी जाती है तो उस टाइम यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर कोई बिलीव बनाने उसके अंदर में, ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक से पहले इस तरीके की गतिविधियाँ पाई जाती हैं, तो वो चीज़ें जैसे हम बिलीव कर लेते हैं, हमने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो हम दूसरी बार बिलीव कर सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ पहले भी हुई थी, उस टाइम ये एक्टिविटी हुई थी, नेक्स्ट एक्टिविटी, तो ये भी कुछ बिलीव करेगा वैसे। तो ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बनाना है इसको। इसमें हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सबसेट थे, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 टाइप की, अप्लाइड मतलब हमने उसको कुछ सिखाना है वो उसी लेवल के ऊपर वर्क करेगी, जैसे स्टॉक की ट्रेडिंग करवानी है शेयर की तो हम उसे बताएंगे जब स्टॉक के प्राइस इतने ऊपर चले जाएं तो आपको खरीद लेना है, इतने अगर नीचे गिर जाएं तो आपको जल्दी से बेच देना है उसको। और अब जर्नल में है कि उसको हमने सिखाया भी नहीं है लेकिन वो फिर भी उसमें काम कर लेगी, मतलब खुद लर्न करके सीखेगी वो। और मशीन लर्निंग में उसको बेसिकली हमने सिखाना है कि कैसे आप सीखोगे, और दूसरा उसको डाटा दे देंगे काफ़ी बड़ा, इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, उसको पूरा डाटा देंगे, खुद उससे सीखता रहे कि क्या करना चाहिए उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग देखी थी, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से एडवांस है, डीप लर्निंग में जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और मशीन लर्निंग में ये कांस्टेंट हो जाता है एक बार में, रेड लाइन जो है
जब डाटा बढ़ेगा तो ये इसकी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क देखे थे, न्यूरल नेटवर्क थे डीप लर्निंग के अंदर। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट था जिसमें कम्प्लेक्स वे से हमने सोचना था, तो डीप लर्निंग में सोचने के लिए न्यूरल नेटवर्क। हम सोचते हैं अपने ब्रेन से, तो डीप लर्निंग सोचेगी न्यूरल नेटवर्क से। तो ये न्यूरल नेटवर्क है लेफ्ट में जो हमारे कंप्यूटर है उसका, और राइट में हमारा ब्रेन है। इसके लिए एग्जांपल भी देखा था। न्यूरल नेटवर्क एक तो इनमें एडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा डाटा ले सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर तो थोड़ा ही डाटा स्टोर हो सकता है, आंखों से जितना देखेंगे, कानों से जितनी नॉलेज है। इसको एक बार इंटरनेट की एक्सेस दे दी तो ये कुछ भी कर सकता है, पूरे वर्ल्ड का डाटा, यूनिवर्स का डाटा खुद खा जाएगा और फिर उससे रिजल्ट बनाएगा और इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी के साथ में इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर सकता है। फंक्शन क्या क्या थे? आपने सेल्फ लर्निंग कार बनानी है, सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी काम कर सकेंगी। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको सिखाया नहीं आपने कि सामने वाला पर्सन जो है आपके एक मीटर दूर है और उसने पावर ब्रेक मार दी, तो आपको क्या करना है? तो ये भी फटाफट पावर ब्रेक मारेंगी, खुद सीखेंगी, फटाफट सोचेंगी ह्यूमन की तरह, इनमें बिलीफ सिस्टम होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोर्ट के डिसीजन वगैरह दे सकती हैं ये, या मेडिसिन वगैरह, कोई आपकी डीप लर्निंग की टेक्निक है मेडिसिन। आपने मतलब जो बिग डाटा हमने देखा था, बिग डाटा और आप न्यूरल नेटवर्क को कंबाइन कर दो, फिर देखो कैसे तबाही मचाते हैं ये। तो ये कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद में। बिग डाटा को जब आप न्यूरल नेटवर्क से प्रोसेस करोगे तो उसके बाद ये मतलब कुछ भी फाइंड आउट कर सकता है। जैसे हड़प्पा की लैंग्वेज है, उनका हमें समझ नहीं आ रहा, तो पूरे वर्ल्ड का डाटा उसमें डाल दिया, पूरी लैंग्वेज डाल दी, फिर उससे कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ये खोजने की कोशिश करेगा। ठीक है, और मेडिसिन, नई मेडिसिन खोज करके, ह्यूमन के जीनोम को स्टडी करके, उसके ऊपर कौन सी जीन जो है किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो स्टडी करके मेडिसिन बना सकता है ये। ठीक है, गेम वगैरह प्लेइंग के लिए, जैसे गेम गो होती है इस तरीके की दिखती है, उसको प्ले करने के लिए उसको सिखा सकते हैं। डिजीज़ की डायग्नोसिस में इसका काम आ सकता है। ये ओल्ड राइटिंग, ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर है, उनकी स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट आता हमारा आता रुक्मणी। तो रुक्मणी एक सैटेलाइट है जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है स्पेशली, और जी सेट सीरीज। तो जी सेट हमने जो हमारी वीडियोज थी स्पेस की उसमें आपने देखा था, आपको याद रखना पड़ेगा जी सेट किस सीरीज की है। जी सेट कम्युनिकेशन सीरीज की सैटेलाइट है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखना, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ना भी हो, बेसिक कवर हो। जैसे आपको पता है जी सेट इन सेट जो है मेनली कम्युनिकेशन के लिए है। इन सेट हालांकि जो है रिमोट सेंसिंग भी यूज होती है, वेदर के लिए और भी चीज़ें यूज होती है, लेकिन आपको मेनली पता होना चाहिए जी सेट कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन आया आपको सार्क सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट को जो है उसके बारे में पूछा आपको, आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो जी सेट सीरीज की सैटेलाइट है, तो आपको पता होगा कि वो कम्युनिकेशन है बेसिकली। तो आपको एक फैक्ट क्लियर हो गया कि वो रिमोट सेंसिंग नहीं है। दूसरा फैक्ट कैसे क्लियर होगा? वो 3600 किलोमीटर ऊपर फेंकेंगे, तो अगर उसके वेट में उन्होंने हेरा फेरी की या बोला कि PSLV से छोड़ी, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जी सेट जो है 3600 किलोमीटर ऊपर भेजेंगे, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट बड़ी होती हैं तो उनको PSLV से भेजना संभव नहीं है। तो वो फैक्ट भी आपका क्लियर हो गया, दो तीन फैक्ट वैसे बन गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा रुक्मणी जी सेट है, मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है चाइना की सबमरीन वगैरह, उनके एयरक्राफ्ट वगैरह काफ़ी घूमते हैं हमारे इंडियन ओशन में, उसको ट्रैक करने के लिए ये सैटेलाइट है इंडिया की, और ये कम्युनिकेशन भी करेगी और सर्विलेंस भी करेगी एरिया की। जैसे हमने देखा था कम्युनिकेशन मतलब एक सैटेलाइट में आप कोई भी इक्विपमेंट वगैरह लगा सकते हो, उससे आप ट्रैक करने के लिए डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो ये मेनली कम्युनिकेशन के लिए है और सर्विलेंस भी करेगी एरिया में, देखेगी ये। नेक्स्ट आया कऊ के डेरिवेटिव को स्टडी करने के लिए पैनल बनाया था। आपको नाम याद रखना प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है स्वरूप। स्वरूप है, जैसे कऊ का घी होता है, गोबर होता है, उसके जो भी डेरिवेटिव है उनको स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट स्वरूप किस चीज़ के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कऊ के डेरिवेटिव। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। नेक्स्ट आया डीबग फ्रेंसो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक प्रोजेक्ट चलाया गूगल ने जिससे मशीन से रेज मॉस्किटो बनाए, मतलब एडिस एगिप्टी मॉस्किटो है, उनका मेल लिया इन्होंने, ठीक है, जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, मेल लिया, उसके अंदर हमने कोई वायरस, उसको इन्फेक्ट कर दिया हमने, उसको इन्फेक्ट किया। अब वो जाएगा जब फीमेल के साथ में मेट करेगा, तो जो उनके बच्चे होंगे वो पैदा मतलब एक तो मर जाएंगे वो पैदा होते ही, या अगर पैदा भी हो गए तो उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद वो मर जाएंगे, लीथल होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई लैब में फर्स्ट टाइम। तो एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज होती हैं, आपकी बॉडी में फॉरेन से कोई एजेंट अंदर आया, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आया, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, बॉडी अपना जो है अपनी तरफ से सोल्जर भेजेगी उससे लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये वाई शेप की बॉडीज होती हैं, जर्नल स्ट्रक्चर है इसका, और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन ये हमारा जर्नल स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। रिलीज होती हैं ये बी सेल से, बी सेल WBC आपने सुना होगा, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका टाइप है बी सेल। ठीक है, बीटा लिम्फोसाइट, तो वो जो है एंटीबॉडी बॉडी जो है रिलीज करेंगे। जब बी सेल को पता चलेगा कि बाहर से कुछ आ रहा है, इसको सिग्नल मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने को कन्वर्ट करेगा प्लाज्मा सेल के अंदर में, मतलब WBC का ही टाइप है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करेगा, और वो प्लाज्मा सेल छोड़ेंगे एंटीबॉडीज ऐसे वाई शेप की, और वो जाके उसको किल करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी कि साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम बनाई लैब के अंदर में।
तो ये फैक्ट आपको याद रखने बी सेल और प्लाज्मा सेल के बारे में, ठीक है। फिर आया डिडमायोस एस्ट्रॉयड, नासा ने शूट किया डिडमायोस एस्ट्रॉयड को, मतलब ये प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है, डार्ट का टेस्ट किया हुआ है, और डिडमायोस एस्ट्रॉयड को मतलब इन्होंने हटाना है एक साइड से काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक का यूज़ करके। मतलब आपने एस्ट्रॉयड आ रहा है आपकी अर्थ के ऊपर, आपने नीचे से आपने कुछ छोड़ा, इस टेक्निक को बोलते हैं काइनेटिक इंपैक्टर, वो उसको थोड़ा सा पुश करेगी उसके नॉर्मल जो उसका पाथ होगा उसको, और उसको साइड से निकालेगी, मतलब अर्थ के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा ये जो एस्ट्रॉयड है हमारा, ठीक है। तो इसका नाम है डार्ट टेस्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो डबल ये एस्ट्रॉयड जो है दो की संख्या में आ रहे, मोस्टली क्या होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ें दो चीज़ें वो बाइनरी की फॉर्म में रहती, स्टार भी हमारे मोस्टली बाइनरी होते हैं, दो दो रहते हैं साथ के अंदर, दिखता हमें एक है लेकिन होते दो में वो, ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है। तो ये भी डबल की फॉर्म में आ रहे, तो इनको यहाँ से साइड लाइन करने के लिए, जैसे 2022 में आएगा एक, 2024 तक पहुंचेगा, इनको साइड करने के लिए ये मिशन है नासा का। नेक्स्ट आता स्कीम फॉर आईपीआर अवेयरनेस, क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया, क्वेश्चन आएगा क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया किस चीज़ के लिए, तो आईपीआर की अवेयरनेस करवानी है स्टूडेंट यूथ ऑथर आर्टिस्ट इन्वेंटर प्रोफेशनल उसके लिए, तो इसके लिए वर्कशॉप सेमिनार लगाए जाएंगे। कौन करेगा ये काम, ये करेगा सेल्फ और आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, सीपाम, सीपाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है ये हमारा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते, डीएनए को न्यू हार्ड ड्राइव के रूप में यूज़ करना है, हार्ड ड्राइव का मतलब कि डाटा स्टोर करना है उसके अंदर में, ठीक है, जैसे किसी मूवी को एनकोड किया जा सकता है, जैसे किसी मूवी को हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर किया जा सकता है, वैसे ही हम स्टोर करेंगे मूवी को डीएनए के अंदर में, ठीक है, डीएनए को काटेंगे और उसमें स्टोर करेंगे। तो इसके लिए टेक्निक का नाम ही आपको याद रखना था क्रिस्पर कैश नाइन, तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्रिस्पर और कैश नाइन, ये हमारा डीएनए है, और इसमें जो ब्रिज बने हुए हैं ये नाइट्रोजन बेस हैं, जैसे ATGC ये कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे, तो हमने इनको एक को बाहर निकालना और दूसरा वहाँ पे डाल देना, तो वो काम है। कैश नाइन एक ऐसा एंजाइम है जो कि उसको काटेगा यहाँ से, ठीक है, ये जो पीस बाहर निकला हुआ है इसको कैश नाइन काटेगा, लेकिन कैश नाइन को पता नहीं है मुझे कहाँ से काटना है, ये तो कहीं से भी काट देगा इस डीएनए को, क्रिस्पर इसको बताता है कि यहाँ से तुझे काटना है इसको, क्रिस्पर जाएगा अटैच होगा और इसको फिर आएगा कैश नाइन, फिर बताएगा इसको कि यहाँ से काटना है और ये काट देगा इसको, और इसमें फिर हम डीएनए इसमें जो कोई भी हमने स्टोर करनी होगी इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करके फिर से एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक थी, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नासा का चेस टू स्टडी इंटरस्टेलर क्लाउड, इंटरस्टेलर क्लाउड मतलब जो स्टार्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंट क्लाउड होते हैं उनको स्टडी करने के लिए, हमने स्टार का साइकिल देखा था उसमें क्या था, लास्ट में देखो राइट साइड के अंदर में सुपरनोवा होगा, ठीक है, सुपरनोवा होगा उससे टूटेंगे, मतलब अगर आपका स्टार छोटा है तो वो टूट के क्या बना देगा, न्यूट्रॉन स्टार, अगर आपका मतलब सबसे छोटा है तो बनाएगा वो आपका वाइट ड्वार्फ, अगर छोटा है स्टार काफ़ी ज़्यादा और वो सुपरनोवा मतलब ब्लास्ट होगा उसका, और उसके आसपास की चीज़ें हैं वो उड़ जाएंगी हवा में, मतलब बादल बन के उड़ जाएंगी, और इन बादलों को स्टडी करने के लिए बनाया हुआ चेस मिशन। तो यहां से अगर छोटा है स्टार तो बनाएगा वाइट ड्वार्फ, छोटा सा बना दिया और धीरे धीरे डिम होकर मर जाएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, और ज़्यादा बड़ा है तो वो ब्लैक होल बना देगा, ठीक है, जैसे अगर वो ज़्यादा ही बड़ा है जैसे सन से 40-50 गुना ज़्यादा बड़ा है तो वो जो है ब्लैक होल बना देगा, और जब ये सुपरनोवा होता है तो इसके आसपास के बादल, जैसे ऊपर हमारा प्लेनेटरी नेबुला लिखा हुआ है, ये ऊपर के बादल हैं जो ब्लू ब्लू कलर में है, ये उड़ के चले जाएंगे और उड़ के फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से, जो हमें दिख रहा है ये नेबुला ये बादल हैं, इनको स्टडी करने के लिए, ये जब ग्रेविटेशनल पुल से फिर से जुड़ेंगे तो ये बना देंगे फिर से स्टार का साइकिल रिपीट होगा। तो चेस मिशन नासा का है, इसके लिए बनाया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा रिविजन लेक्चर है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।